नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंगिरश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम एडवर्स पोजेशन लॉ यानी कि प्रतिकूल कब्जा कानून, इसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो लेकर आए हैं। अब दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल पर एडवर्स पोजेशन से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, जिसके अंदर मैं आप लोगों को एडवर्स पोजेशन लॉ, इससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट, ये सारी चीज आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड कराता हूं दोस्तों। बट मैंने आज तक आप लोगों को अपनी एक सिंगल वीडियो में कभी भी ये चीज कवर करके नहीं दी कि आखिरकार ऐसी कौन सी कंडीशन होती है या फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिस कंडीशन में आप कोर्ट में जाकर एडवर्स पोजेशन का केस जीत ही नहीं सकते, और अगर आप वहां पर केस फाइल कर भी देते हैं तो बहुत ही रेयर चांसेस हो जाते हैं आप वो केस जीते। अब आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ वो सभी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, जिसके तहत अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो कोर्ट में आप एडवर्स पोजेशन का केस जीत ही नहीं पाएंगे, और अगर आप केस फाइल कर भी रहे हैं तो ये चीज पहले ही आप माइंड में बैठा लें कि ऐसी सिचुएशन में केस जीतना रेयर हो जाता है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है, इससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी जजमेंट है, ये सारी चीज हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए रोजाना इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोज अपलोड करते रहते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, तो कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ा सा इस पॉइंट पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिरकार एडवर्स पोजेशन लॉ होता क्या है, क्योंकि हो सकता है बहुत से व्यूअर्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो उन लोगों को ये चीज अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हमारे इंडियन कानून के अंदर हमें एक लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड कराया गया है। उस लिमिटेशन एक्ट के अंदर हमें हर चीज से रिलेटेड एक निर्धारित समय सीमा दी गई है, जैसे कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस करने के लिए कितने समय की समय सीमा है, सेल डीड, गिफ्ट डीड या किसी डीड को चैलेंज करने के लिए समय सीमा कितनी होती है। ठीक इसी प्रकार से आर्टिकल 65, 64, सेक्शन 27, आर्टिकल 112 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एडवर्स पोजेशन टॉपिक से रिलेट करता है, जहां पर यह चीज प्रोवाइड कराई गई है। अगर आप आर्टिकल 65 पर नजर डालते हैं कि अगर कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है जहां पर प्रॉपर्टी पर पोजेशन हो चुका है और उस पोजेशन होने के बावजूद भी जो संपत्ति का असल मालिक है वो 12 सालों के भीतर उस प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहा, कोई एक्शन वहां पर नहीं ले रहा, तो ऐसी कंडीशन में जब ये 12 साल की समय सीमा वहां पर बीत जाएगी तो संपत्ति का असल मालिक उस प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकता, उसका लिमिटेशन टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आर्टिकल 64 बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ने किसी प्रॉपर्टी पर एक सेटल्ड पोजीशन कर लिया है, ऐसी कंडीशन में उस पोजीशन को हो जाने के बाद अगर उसे आप डिस्पोजेस करना चाहते हैं, यानी कि पोजीशन से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको लो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसे जोर जबरन जबरदस्ती करते हुए बाहर निकाल देते हैं तो उसके पास 12 साल की समय सीमा है, वो उस पोजीशन पर वापस आ सकता है। इसके बाद यहां पर दोस्तों आर्टिकल 112 बात करता है किसी गवर्नमेंट लैंड पे, जहां पर यह समय सीमा बढ़कर 30 सालों की हो जाती है, यानी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट लैंड पर पोजेशन किए हुए हैं और वहां पर आप ओनरशिप क्लेम करना चाहते हैं परफेक्ट टाइटल क्रिएट करके, तो आपको मिनिमम 30 सालों तक वहां पर पोजेशन बनाए रखना जरूरी है दोस्तों। ये हमारा एडवर्स पोजेशन लॉ होता है दोस्तों। अब हम वीडियो में आगे बात करेंगे ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी कंडीशन अगर आपके केस में क्रिएट हो रही है तो उस कंडीशन में वो केस जीत पाना आप लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन के बराबर ही हो जाएगा दोस्तों। अब हम उन पॉइंट्स को यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है अल्टीरियर मोटिव, यानी कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन क्लेम कर रहे हैं तो ये चीज आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ती है कि जब भी आप लोगों ने उस पर्टिकुलर पोजेशन पर, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर पोजेशन किया था, आपका एक अल्टीरियर मोटिव यही था कि उस प्रॉपर्टी पर आप लोगों को पोजेशन करके ओनरशिप क्लेम करनी है, या बेसिकली आप लोगों का पोजेशन करना ही वहां पर पूरा माइंडसेट था। आपकी एक ही इंटेंशन थी कि रियल ओनर के एडवर्स में जाकर आपको वहां पर एडवर्स पोजेशन एस्टेब्लिश करना है। अब दोस्तों, कई बार कंडीशन ऐसी होती है जब यहां पर एक टेनेंट यानी कि किराएदार या फिर कोई ऐसा लीज लाइसेंसी एग्रीमेंट होता है जिस पर आप अपनी लैंड को कुछ समय रेंटल पर्पस के लिए दे देते हैं।
बाद में वो व्यक्ति वहां पर एडवर्स पोजेशन क्लेम कर रहा होता है, जिससे आप ये चीज शो कर सकते हैं कि इसका अल्टीरियर मोटिव यहाँ पर पोजेशन का नहीं था, वो तो हम लोगों ने इनको एक परमिशन दी थी जिसके बाद उन लोगों ने इस लैंड को यूज करना शुरू किया, तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे एडवर्स में नहीं हुआ, तो ये एडवर्स पोजेशन बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहला दो पॉइंट दोस्तों कौन सा आया, नो अल्टीरियर मोटिव, यानी कि जो आपका इंटेंशन है एडवर्स पोजेशन को लेकर वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों जो दूसरा पॉइंट यहां पर बनता है वो होता है परमिसिव पोजेशन। ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे रिलेटेड मैं आगे आपको जजमेंट भी बताने वाला हूं। अगर कोई टेनेंट या लैंडलॉर्ड का केस बन रहा है, कोई फैमिली मेंबर का केस बन रहा है, तो ये इसके अंदर फॉल होता है। वो कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए एडवर्स पोजेशन के अंदर एक एसेंशियल पॉइंट होता है, वो होता है कि प्रॉपर्टी के रियल ओनर के एडवर्स में जाकर आपने पोजेशन कर रखा हो, बट अगर वही पोजेशन आपको प्रॉपर्टी का रियल ओनर अपने परमिशन से करने दे रहा है तो उसको एडवर्स पोजेशन नहीं कहेंगे, वो परमिसिव पोजेशन की श्रेणी के अंदर काउंट होगा। और इससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत जजमेंट है, हाई कोर्ट से रिलेटेड भी बहुत जजमेंट है, जहां पर परमिसिव पोजेशन को एडवर्स पोजेशन नहीं बताया और वहां पर प्रॉपर्टी पर जिसका पोजेशन था वो केस हार गया। वो कैसे, देखिए बेसिक सा डिफरेंस है, जब किसी को परमिशन दी जाए उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी पर आकर एस्टैब्लिश हो पोजेशन करे तो वो परमिसिव पोजेशन होगा। अगर किसी को परमिशन नहीं दी, वो वहां पर जबरन पोजेशन करके एडवर्स पोजेशन एस्टैब्लिश कर गया, वो एडवर्स पोजेशन होगा। परमिसिव वो है जहां पर परमिशन मिली हो, एडवर्स वो है जहां पर परमिशन ना मिली हो। जहां पर परमिशन मिली है दोस्तों, उस कंडीशन में एडवर्स पोजेशन वहां पर एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों यहां पर जो अगला पॉइंट आता है वो हम डिस्कशन करेंगे फैमिली प्रॉपर्टी पर। अब देखिए ये अक्सर लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर भी बात करते हैं कि क्या सर फैमिली प्रॉपर्टी पर अगर किसी का पोजेशन है तो उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। देखिएगा दोस्तों, फैमिली मेंबर पर अगर आप लोगों का पोजेशन है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप ये साबित कर पाए कि वहां पर वो पोजेशन एडवर्स पोजेशन है, क्योंकि दोस्तों कई बार ये सिचुएशन और ज्यादातर मामलों में यही होता है कि उस तरीके के पोजेशन को परमिसिव बताया जाता है, क्योंकि एक फैमिली मेंबर जब भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर पोजेस करता है तो उसको ट्रस्टी की तरह देखा जाता है, यानी कि विश्वास योग्य देखा जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर वो कल कर उठ के एडवर्स पोजेशन क्लेम कर रहा है तो उसी को साबित करना होगा कि इस कंडीशन में कोई ट्रस्टनेस थी ही नहीं, मैंने तो शुरू से एक प्ली ऑफ आउस्टर वहां पर एस्टेब्लिश करके रखा था जिसके तहत वहां पर मेरा फैमिली प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन हो गया। बेसिकली आप ये समझे 95% यही चांस होते हैं कि अगर किसी फैमिली प्रॉपर्टी पर केस किया भी गया है तो वहां पर एडवर्स पोजेशन का केस जीत पाना नामुमकिन हो जाता है। हाँ, अगर प्ली ऑफ आउस्टर वहां एस्टेब्लिश हो चुका है तो फिर भी चांस बनते हैं कि फैमिली प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन क्लेम किया जा सके दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं, जैसे कि माइनर की कंडीशन में, यानी कि वो बच्चा जिसकी एज 18 वर्ष से कम है, जिसको लॉ के अंदर माइनर कहा जाता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो रही है कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उसकी प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति ने पोजेशन कर लिया, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं, मान लेते हैं कोई ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 3 से 4 वर्ष है, अब वो वहां पर इतना लो से अपडेटेड नहीं है, उसे लीगल नॉलेज भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति उस पर पोजेशन करता है और 12 साल तक कर भी लेता है तो उस बच्चे की उम्र तब भी वहां पर 14 से 16 साल होगी। ऐसी कंडीशन में जब वो 18 वर्ष पूरा करेगा तो उसका पोजेशन तो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा जब तक उसका लॉ की नॉलेज वहां पर आएगी दोस्तों। ऐसी कंडीशन में ये माना जाता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उसकी प्रॉपर्टी पर कोई पोजेशन करके एडवर्स पोजेशन क्लेम करता है तो वहां पर उस पोजेशन को अमान्य ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर उस बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम थी और उसको लॉ से रिलेटेड इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो उस प्रॉपर्टी को वापस पाने के लिए सूट फॉर पोजेशन कोर्ट में दाखिल कर सके। अब दोस्तों जो अगली कंडीशन बनती है वो होता है मेंटल इनकैपेबिलिटी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पागलपन का शिकार है, कोई यहां पर पूरी तरीके से मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, ऐसी कंडीशन में अगर उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर कोई पोजेशन कर ले तो ये चीज सीधी सीधी है कि वो तो कोर्ट में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो पागलपन का शिकार है, वो मेंटली इनकैपेबल है। ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर अगर कोई एडवर्स पोजेशन क्लेम कर रहा है तो उसके लीगल गार्जियन ये चीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये मेंटली इनकैपेबल है और इसकी कंडीशन में यहां पर एडवर्स पोजेशन फेवर में नहीं देना चाहिए। अब दोस्तों एक पॉइंट और बनता है हमारी आर्म फोर्सेस के सोल्जर के ऊपर, यानी कि चाहे एयर फोर्स हो, नेवी फोर्स हो या फिर हमारी आर्म फोर्स हो, ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति उनके पीछे से उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर पोजेशन कर लेता है, देखिएगा दोस्तों अब वे सैनिक हमारी देश सेवा के लिए तैनात है, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो वहां पर आकर डिस्प्यूट कोर्ट के अंदर फाइट कर सके। ऐसी कंडीशन में अगर कोई इस चीज का फायदा उठाते हुए उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर पोजेशन कर लेता है तो वहां पर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो वहां पर एडवर्स पोजेशन के तहत परफेक्ट टाइटल क्रिएट करके उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप अपने फेवर में कर ले।
अब दोस्तों ये जो सारी सिचुएशन बात की गई ये आ गई थी प्राइवेट लैंड से रिलेटेड। अब अगर हम वहीं पर गवर्नमेंट लैंड की बात करें तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, गवर्नमेंट लैंड में भी जो लैंड पब्लिक पर्पस के लिए छोड़ी गई है, पब्लिक यूटिलिटी के लिए छोड़ी गई है, जैसे कि हॉस्पिटल, पार्क, रोड, फुटपाथ, अगर ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति वहां पर एनक्रोचमेंट करके एडवर्स पोजेशन क्लेम कर रहा है तो उसको कभी भी पोजेशन के बेस पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड बहुत सी ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है दोस्तों। दोबारा से समझे, अगर कोई व्यक्ति किसी की सरकारी संपत्ति पर पोजेशन करके ये कहता है कि ये लैंड जो पब्लिक रिजर्व के लिए है, पब्लिक यूटिलिटी के लिए, इस पर मेरा एडवर्स पोजेशन हो चुका है, तो उसको कभी भी उस संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। ये चीज आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आप और डीपली इस कंसेप्ट को समझ पाए। देखिएगा, अब मैं डिस्प्ले पर आप लोगों को एक एक जजमेंट बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर करके देने वाला हूं, बस आप ध्यान से इस वीडियो को आगे देखिएगा। देखिए, पहली जो जजमेंट है उसका नाम है क्षितिज चंद्र बोस वर्सेस कमिश्नर ऑफ रांची, साल 1981 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। ये थ्री जजेस बेंच द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पास किया था हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसको रिवर्स करते हुए। क्या कहा था इस केस के अंदर, दैट द प्रॉपर्टी मस्ट बी पोजेस्ड बाय पर्सन, यहां से ध्यान से समझिएगा, इन एन ओपन मैनर विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कंसीलिंग द सेम फ्रॉम द ओनर इन सच अ सिचुएशन, इवन व्हेन द रियल ओनर डजंट हैव द नॉलेज अबाउट द पोजेशन, इट विल नॉट बिकम लेस एडवर्स। मतलब कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर पोजेशन पर है तो उसको उसके रियल ओनर से उस पोजेशन को कंसील नहीं करना, यानी कि छुपाना नहीं है। अगर वो छुप छिपा कर पोजेशन कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में बाद में होस्टाइल एनिमस वो कोर्ट में नहीं प्रूव कर पाएगा, जिसकी वजह से एडवर्स पोजेशन कभी भी उसके फेवर में नहीं आएगा। हाँ, अगर वो कंसील नहीं कर रहा, इसके बावजूद संपत्ति का मालिक लापरवाही बरत के वहां पर ध्यान ही नहीं दे रहा, वो एक अलग कंडीशन है। बट अगर एक पोजेशन होल्डर कंसीलमेंट करता है तो उसको कभी भी एडवर्स पोजेशन अपने फेवर में लेने का मौका ही नहीं मिलेगा दोस्तों। इस जजमेंट में ये चीज क्लियर कर दी गई थी। अब देखिए दोस्तों, परमिसिव पोजेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस मैं यहां पर करने वाला हूं। डिस्प्ले पर देखिएगा, जजमेंट का नाम है ठाकुर किशन सिंह डैड वर्सेज अरविंद कुमार, साल 1994 का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन को यहां पर हाईलाइट किया गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन जो है, ऐसी कंडीशन में जहां पर इफ द पर्सन इज पोजेसिंग द प्रॉपर्टी विद द ड्यू परमिशन ऑफ द ओनर, ध्यान से समझें कि अगर कोई व्यक्ति पोजेशन पर है प्रॉपर्टी के उसके ओनर की परमिशन के बाद, इट वॉन्ट अमाउंट टू एडवर्स पोजेशन, यानी कि अगर कोई परमिशन दे रहा है उसके बाद पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर पोजेशन किया जा रहा है तो वो परमिसिव पोजेशन होगा, वो एडवर्स पोजेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। और इससे रिलेटेड भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत जजमेंट है जहां पर परमिसिव पोजेशन को एडवर्स पोजेशन में एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, या फिर आप समझे तो परमिसिव पोजेशन के तहत टाइटल क्लियर करके मालिकाना हक नहीं पाया जा सकता दोस्तों। अब दोस्तों जो हमारी अगली जजमेंट आती है वो फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जजमेंट का नाम है नंजी गौड़ा डिकेस बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एन अनदर वर्सेस राम गौड़ा, साल 2017 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। यहां पर एक अपील डाली गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट में जाकर। यहां पर केस तो था वो एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड था। देखिएगा, यहां पर लिखा भी हुआ है, द केस वाज रिगार्डिंग द एडवर्स पोजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड दैट वाज द पार्ट ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली एंड सुप्रीम कोर्ट इन द केस क्लियरली स्टेटेड दैट could be no adverse possession on any family or ancestral property through a hostility among the member over the land. यानी कि दोस्तों अगर एक फैमिली प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन क्लेम किया जा रहा है तो बहुत मुश्किल है आप वहां पर मालिकाना अपने फेवर में ले जाए। अगर प्ली ऑफ आउस्टर है तो फिर भी आप अपने फेवर में केस को ला सकते हैं, बट बिना इसके मालिकाना हक लेना नामुमकिन के बराबर हो जाता है दोस्तों। अब देखिए हम अपनी लास्ट जजमेंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिस्प्ले पर आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, मल्लिकार्जुना वर्सेस नंजिया, साल 2019 की इंपोर्टेंट जजमेंट है जिसमें यही डिसाइड किया था कोर्ट ने कि केवल कॉन्टिन्यूअस पोजेशन से प्रॉपर्टी कभी भी एडवर्स पोजेशन क्रिएट नहीं कर सकती। पोजेशन जो है यहां से देखिएगा, हैज टू बी ओपन, होस्टाइल एंड एक्सक्लूसिव ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल, यानी कि केवल अगर आप लोगों का लगातार 12-13 सालों तक पोजेशन है और उससे मालिक नहीं बन सकते, अगर वो होस्टाइल नहीं है, रियल ओनर के अगेंस्ट नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, ओपनली नहीं है, तो आप लोग एंड में जाकर उस केस को हार ही जाएंगे दोस्तों। इस जजमेंट में यही चीज यहां पर क्लियर कर दी गई थी। अब दोस्तों मैंने आज आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करी है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इनमें से कोई सेपरेट जजमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाई जाए, आप उस जजमेंट का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें और वहां पर कहें कि सर इस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो लेकर आए।
अब दो टॉपिक पर आप लोगों के साथ और डिस्कशन करता हूं कि क्या एक सरकार यानी कि कोई गवर्नमेंट अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी पर पोजेशन कर लेती है तो क्या उसको एडवर्स पोजेशन मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, एक गवर्नमेंट जो होती है वो वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए होती है। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है विद्या देवी से रिलेटेड, जहां पर यही चीज एनालाइज की गई थी कि स्टेट जो है वेलफेयर के लिए होती है, वो यहां पर इस प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन का गलत फायदा अपने सिटीजन के ऊपर नहीं उठा सकती। यानी कि अगर कोई स्टेट आपके ऊपर आप पर पोजेशन जमाए हुए और बाद में एडवर्स पोजेशन से मालिकाना पाना चाहती है तो वो ऐसा वहां पर नहीं कर सकती। दूसरी कंडीशन, क्या एक किराएदार संपत्ति पर पोजेशन करके मकान मालिक बन सकता है? जी नहीं दोस्तों, अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में साफ क्लियर कर दिया है कि एक किराएदार को हमेशा ही किराएदार की दृष्टि से देखा जाएगा। वो अगर कल को प्रॉपर्टी पर कब्जा करके खुद को मालिक समझने लगे तो ये गलतफहमी उसके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर टेनेंट वाले पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं जल्द से जल्द ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। अगर आप पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर प्रोवाइड कराया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर डायरेक्टली कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।